मैच काकड़वाल विपक्ष, यहां पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैच खेला जा रहा है पाले 11 टीम के बीच में। हालांकि काकड़वाल टीम जुना डोंबिवली में मैच खेल रही थी और देरी से जरूर आई, पेनल्टी दी गई थी, लेकिन मनीष को लेकर का यह बड़ापन काफी अच्छा नजर आता हुआ, उन्होंने पेनल्टी कैंसिल की और मैच यहां पर स्टार्ट होता। काकड़वाल टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले सलामी जोड़ी मनीष स्ट्राइक इन पर। ऑन साइड में बड़ा शॉट मारने का इरादा जरूर था। इथे करतने विजय साठी 1000 रुपये पारितोषिक आलोय, विकेस हजारे साठी रवि हजारे यांच्याकडून आणि विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय सचिन सदाशिव पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे 1000 रुपये पारितोषिक देऊन विकेसला स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावा। तो मनीष कोलेकर उर्फ टेनिस क्रिकेट में जिस बल्लेबाज को पांडे के नाम से जाना जाता है वो खिलाड़ी मात्र नॉन स्ट्राइक एंटर होते हुए, लेकिन इस बार देखिए शॉट था फाइन लेग को क्लियर करने का, लेकिन इसी के साथ फील्डर गेंद के नीचे पहला बड़ा झटका पाले 11 टीम को मिलता हुआ। पर पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ जिस मनीष को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, पिछले 7 साल पहले नांगांव में ये खिलाड़ी आया था, तब त्रिशूल 11 डोंबिवली की ओपन टीम थी, राकेश थे उनके साथ, प्रमोद मात्रे देसाई के, नीलेश मात्रे मोटागांव, ये जो खिलाड़ी आते थे हमारे वाकड़ी टीम की ओर से ओपन टूर्नामेंट में, विजय ठाकुर के साथ काफी अच्छा क्रिकेट खेला इस खिलाड़ी ने और आज भी इस टेनिस क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए, और हालांकि रिवर्स शॉट्स में काफी माहिर माना जाता है ये बल्लेबाज और फेवरेट स्ट्रोक है इनका और वो भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई पहले गेंदबाज है इस वक्त आई गावधवी 11 काकड़वाल टीम की ओर से बली भोईर और सामने दर्शित 11 काकड़वाल। यहां पर मिस्टर निक्षक मिड ऑफ का खिलाड़ी गेंद के नीचे था, जरूर कैच देने के लिए एफर्ट अच्छा था लेकिन कैच को नहीं ले पक पाए, तब तक यहां पर एक रन जरूर मुकम्मल। दर्शित 11 काकड़वाल टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और कापरी सिद्धि 11 पाले टीम की यह सलामी जोड़ी जो आई थी उनमें से बैट्समैन सूरज आउट होकर लौटे पवेलियन की तरफ, मनीष कोलेकर और रूपेश ये जोड़ी मैदान के अंदर। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, मात्र 2 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर लगते हुए। सागर माफ कीजिएगा, मनीष तैयार ऑन साइड में फेवरेट स्ट्रोक है इनका, मिड विकेट को क्लियर करते हुए आखिरकार कितनी देर तक शांत रखेंगे इस बल्लेबाज को और यहां पर लांपते हुए दमदार लंबा छक्का। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष कोलेकर टेनिस क्रिकेट में पांड्या के नाम से मशहूर ये बल्लेबाज है, रिवर शॉट इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ पर ऑन साइड में बहुत बड़ा स्ट्रोक आता हुआ गेंद सीमा पार, 6 रन 6 रनों की मदद से यहाँ पर ओवर की हुई समाप्ति और पहले पावर प्ले का खेल यहाँ पर समाप्त होने के बाद कापरी सिद्धि 11 पाले टीम का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जो दर्शित 11 काकड़वाल टीम है देवीसापाड़ा के मैदान के ऊपर अक्सर आती है टीम और पिछले साल शायद सेमीफाइनल में भी हारी थी, हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे स्मृति चषक जो थी देवीसापाड़ा के मैदान के ऊपर, वहां पे अच्छा खेल दिखा था, गेंदबाजी उनकी अच्छी है, बैटिंग भी उतनी अच्छी है और इसीलिए आज डोंबिवली विभाग में खेलने के लिए गई थी और लगभग 4वें मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल दातीवली टीम के खिलाफ इन्हें हार का सामना करना पड़ा, अच्छी क्रिकेट है और बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जहां से पहले पावर में रन बने 8 सेकंड गेंदबाज महेश जैसे स्लिंगा एक्शन आया यहां पर लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए गेंद सीमा पार, हमारा छोटा वॉलंटियर भी के गेंद को उठाते हुए सीमा पार 4 रन। थैंक यू दीजिए, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 12 रनों के ऊपर। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो और यहां पर संघर्ष करेगी पहला विकेट सस्ते में लौटने के बाद काफी सिद्धि 11।
पाली टीम शॉर्ट पिच लाइन की गेंद कवर के ऊपर मारने की कोशिश थी लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद तेज जरूर है लेकिन इस तेज गेंदों का गति का इस्तेमाल क्या बैट्समैन कर पाएंगे? और जो इनका एक्शन है ना बिल्कुल लसित मलिंगा जैसा एंगल है और ये स्लिंगा गेंदबाज ज्यादातर यॉर्कर गेंदों के लिए काफी माहिर जाने जाते हैं। और यहाँ देखिए राउंड विकेट से इस बार गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए फिर से बार लोवर फील्ड टॉस ऑन साइड में अलोंग द कार्पेट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग एक ही एक्शन में गेंद को उठाते हुए लाल जवाब थ्रो उतना ही अच्छा कलेक्टिंग गेंदबाज के द्वारा तब तक यहाँ पर एक रन पूरा होता हुआ एक रनों की मदद से। अब तो कापरी सिद्धि 11 पाली टीम यही सोचेगी संदीप गौली आणि शत्रुघ्न गौली या दोन्ही मान्यवरांना आम्ही विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर अतिशय दर्जेदार स्पर्धा खास वैशिष्ट्य मी सांगेन एवढ्या दुपारच्या सत्रामध्ये स्पर्धा झाली आणि प्रेक्षकांची गर्दी बघा मच्छिंद्र सर किती आपल्याला पाहायला मिळते। अच्छा शॉर्ट बॅकफुट पॉइंट की रीजन में थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई उसका फायदा मनीष को मिला और यहाँ पर मनीष लेटकर खेलना चाहते थे चाहकर चौका जा सकता था गैप में लेकिन एक रन मुकम्मल एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। पहला विकेट शून्य पर लौटा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 550 व्यूवर्स यूट्यूब के जरिए इस मैच को देखते हुए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट हिट लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग होती हुई एक रन देखिए क्या जबरदस्त वापसी की है मच्छिंद्र सर पहले ओवर में पहले गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी यहाँ पर दूसरे पावर लेकिन पहली गेंद के ऊपर और उसके बाद लाजवाब कमबैक यहाँ से सिंगल बटोरते हुए और यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने का काम जानते हैं सामने मनीष को लेकर जैसे प्रमुख हथियार है और इसी बल्लेबाज को रोकने का काम मैं कहूंगा यहाँ पर करते हुए गेंदबाज। कठिन परिस्थिति में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कमजोर आदमी हमेशा पीछे हटता है। यहाँ पर देखेंगे कि मनीष के लिए लगातार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश दो खिलाड़ी ऑन साइड में एक खिलाड़ी ऑफ साइड में स्लॉक्सवीप फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्कोर लेके रीजन में गेंद जाती हुई फील्डर के द्वारा आप चलिए आखिर के क्षणों में अच्छी फील्डिंग होती हुई कम से कम दो रन तो जरूर बचाए अपने टीम के लिए और इसी दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर कापरी सिद्धि 11 पाले टीम का एक विकेट के नुकसान पर डीजे बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदबाजी में परिवर्तन बली भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए जिस बली भोईर ने एक ओवर में 8 रन देकर एक सफलता इनके नाम पर मिली थी। सामने मनीष अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर नॉट आउट बल्लेबाज है पांड्या और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर सागर एक चौकों की मदद से अब तक अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देते हुए पटकी हुई बाउंसर गेंद थी बैक टू दी बॉलर लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी यहां पर जब तक 30 गज दायरे के भीतर जाकर गेंद को रोके इतना आसान नहीं था बल्ली को उल्टा घूमकर कैच पकड़ना लेकिन एक ही रन मुकम्मल होता हुआ एक सी मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल मैं कहूंगा 18 रनों के ऊपर। इस खिलाड़ी के बारे में तो एक ही चर्चा करेंगे कल्याण डोंबिवली विभाग का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है मलंगड़ का और इसीलिए इसे मलंगड़ का टाइगर कहा जाता है। छोटी हाइट बड़ी फाइट अक्सर लेने में यह खिलाड़ी माहिर जाना जाता है। गेंदबाज बली भोईर एक अनुभवी गेंदबाज है अभी तक रोक लगाई है यहां पर इनसाइड एज बिग विकेट बड़ा सक्सेस मिलता हुआ दर्शित 11 काकड़वाल टीम के नामचीन गेंदबाज बली भोईर के लिए बिग विकेट मनीष को लेकर बैक टू द पवेलियन। थैंक यू
क्या जबरदस्त कैच पकड़ा यहाँ पर विशाल ने, शानदार फील्डिंग करते हुए। क्या कमाल की क्रिकेट खेल रही है इस वक्त दर्शित 11 काकड़वाल टीम। इनका हौसला काफी बड़ा है क्योंकि हाल ही में जूनी डोंबिवली के मैदान के ऊपर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, 3 मुकाबले जीते थे और यहाँ पर उसी उम्मीद के साथ फिर से एक बार जांबिवली गांव चषक ट्रॉफी में हमें इस मिनी ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर एक अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाना है। और ये बोरेली का मैदान हमारे दर्शकों से सजा हुआ भरा है, खिलखिला हुआ मैदान है। और क्या जबरदस्त फाइट, पहले दौर का आखिरी मुकाबला, हालांकि सिक्का उछला जरूर दर्शित 11 काकड़वाल टीम के पक्ष में फील्डिंग करते हुए, डिसीजन अब कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता हुआ। टीम की रन संख्या की बात करेंगे यहां पर अब तक 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रनों के ऊपर गेंदबाज तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, लगातार यहां पर अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे हैं। यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, रन संख्या की बात करेंगे 18, माफ कीजिएगा क्योंकि एक रन आई थी तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर, 2 ओवर में रन बने थे 17, एक रन आया था इस ओवर में और एक विकेट लेने में बिल्कुल कामयाबी दिखाई है। क्या जबरदस्त वापसी, और क्यों मुझे अनुभवी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दर्शित 11 काकड़वाल टीम की ओर से नवाजा जाता है और इस अनुभव का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए। कमाल की गेंद, कमाल का स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं, देखते देखते यह खिलाड़ी पूरी तरह से आधे एम तक आया था। और मच्छिंद्र पारेसर कर दातिवली टीम का जो खिलाड़ी था, कल एक मैच हुआ था चिरनेर विपक्ष दातिवली, एक बॉल में 2 रन की जरूरत थी ना, अपन दोनों ही कमेंट्री कर रहे थे, और बॉल पड़ने से पहले वो बैट्समैन आधे पिच पर आया था और बॉल के साथ ही अगर बल्ला लगता था बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकता था। ये फनी क्रिकेट कल देखने को मिला। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, टॉप पिच लगाए, फाइनली को क्लियर करते हुए 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं और यहां पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू डीजे, शानदार चौका, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल आप देख सकते हैं 23 रनों के ऊपर, रन यहां पर बना रही है और कोशिश दिखाते हुए दोनों भी बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर। मनीष को लेकर का विकेट गंवाने के बाद थोड़ी सी मुश्किल थी जरूर है। अच्छी गेंद, तेज तर्रार यॉर्कर फेंकने की कोशिश, देखना होगा बल्ले से लगी या पैरों पर टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। जी हां, बल्ले पर लगी थी और इसीलिए ज्यादा अपील नहीं हुई और इसी के साथ 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से ओवर नंबर यहां पर 3 हुआ कंप्लीट। कितनी तेज गति से ओवर फेंके मचिंद्र सर और तेज साथ इस वक्त अच्छा क्रिकेट खेलती हुई काकड़वाल 11 टीम, देर जरूर आई, पेनल्टी उनकी बची और उस खेल भावना को बनाते हुए उन्होंने 3 ओवर जल्द समाप्त किए और यहां पर ड्रिंक्स मैदान में 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की जनसंख्या पहुंचती हुई मात्र 24 रनों के ऊपर। मनीष कोलेकर का विकेट गंवाने के बाद कैसा होगा कि एक खिलाड़ी के ऊपर टीम निर्भर रहनी चाहिए, 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट होता है, अगर आज मनीष का दिन नहीं है तो बाकी के खिलाड़ियों को काम तमाम करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, कभी हताश मत होना क्योंकि धूप कितनी भी हो तेज, समंदर कभी सूखा नहीं होता। तो यहां से आप देखेंगे मनीष कोलेकर का विकेट गंवाने के बाद अगर आप अपने टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत उपलब्धि है। और मच्छिंद्र पाटी सर कहते हैं ना कि मैच हारने के बाद या जीतने के बाद मैंने टीम के लिए क्या किया, इतना हार तो दूर की बात है लेकिन मेरा अपने टीम के लिए 100% परफॉर्मेंस क्या है, ये खुद अपने आत्मा से पूछे कि मैंने अपने टीम के लिए कौन सा परफॉर्मेंस दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर इसलिए दोनों टीमें काफी अच्छा क्रिकेट खेलती हुई जरूर है, हालांकि यहां पर 3 ओवरों में थोड़ी सी मुश्किल स्थिति जरूर है बैटिंग करने वाली टीम कापरी सिद्धि 11 पाले टीम की बल्लेबाजों की ओर से। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, ऐसे हालातों में विजय और सागर की जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर है, मनीष कोलेकर और सागर, तो सूरज आउट होकर लौटे, सागर और विजय की जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नहीं बॉलर, चलिए कदम सरनेम भी जाना जाता है लेकिन नाम है इनका कदम, कदम कदम बढ़ाए जाए और खुशी के गीत गाए जाए, कदम कदम सालवी कदम। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर देखेंगे 3 गेंदबाजों ने क्या सटीक लाइन से गेंदबाजी, 2 गेंदबाजों ने के इसमें 2 ओवर आपने बली के देखे भाई, ये भी लसित मलिंगा है, ऐसे कितने मलिंगा है इस वक्त काकड़वाल टीम में। और ये स्लिंगा एक्शन गेंदबाज होते हैं ना, काफी खतरनाक गेंदबाज होते हैं और खास बात तो है कि राउंड विकेट से आते हैं ना, इनके यॉर्कर से बचना बहुत मुश्किल होता है। और ये दूसरा स्लिंगा यॉर्कर,
बिल्कुल काकड़वाल टीम की बात करेंगे तो हमारे विभाग में जैसा आधा ही टीम है बिल्कुल उसी तरह का ये क्रिकेट खेलता है। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, शॉट अच्छा है हवा में काफी देर तक, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ एफर्ट कमाल का था लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी कवर के लिए आना चाहिए था और ये कैच पर अच्छा बन सकता था लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर दो रन चुरा लिए, दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है, जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो सोचना होगा यहाँ पर काफी सिद्धि 11 पाली टीम के बल्लेबाजों को। त्रास दरम्यान सन्माननीय संदीप गौली साहब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई लेकिन ऑप्शन छोड़ता हुआ अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एमआईटीसी विभाग में नितलास टीम है ना, वहां पर भी एक गेंदबाज है पावशे, वो बिल्कुल लसित मलिंगा की गेंदबाजी करते हैं प्रमोद पावशे, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग में थोड़े से महंगे साबित हुए और वहां से मुकाबला खोना पड़ा। संपर्क ठीक हुआ है, फील्डर है गेंद के नीचे लेकिन क्या इस कैच को ले पाएंगे, बेहतरीन जजमेंट और इसी के साथ बैट्समैन के पारे का अंत होता हुआ। आउट होने वाले बैट्समैन आप देख सकते हैं यहां पर विजय आउट होकर लौटे पवेलियन की तरफ और ये तीसरा बड़ा झटका कापरी सिद्धि 11 पाली टीम को। थैंक यू विजय। एक बात है दर्शित 11 काकड़वाल की, लेकिन रोशन पावशे है ना, इनके जैसा फैन नहीं देखा मैंने काकड़वाल टीम का, बहुत खतरनाक फैन है और उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के अंदर इस वक्त राकेश भोईर, चौथा ओवर प्रगति पर है, स्लिंगा गेंदबाज कदम तैयार। देखिए यहाँ होता है ये स्लिंगा एक्शन वाले गेंदबाज जो है ना वो ज्यादा व्हाइट गेंद फेंकने में काफी माहिर रहते हैं और यहाँ पर व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। टीम की रन संख्या की बात करेंगे 29 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड पर लगते हुए। तेज यॉर्कर इस बार सटीक लाइन से गेंद फेंकी थी, डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। देखिए कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जीतेगा जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, क्योंकि जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, क्योंकि आने वाला पल खुद सवर जाएगा या वो क्रिकेट खेलनी होगी। वो फुल टॉस गेंद, मिसटाइमिंग जरूर है, फील्डर पांच से दूर है लेकिन तब तक यहां पर बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और आसानी के साथ आंखों में आंखों इशारा करते हुए यहां पर बल्लेबाजों ने दो रन चुरा लिए, दो रनों की मदद से। ये ओवर अब तक मैं कहूंगा काकड़वाल टीम के लिए तो अच्छा जरूर है लेकिन जो व्हाइट गेंद फेंकी है ना वो व्हाइट गेंद काफी मुश्किलें पैदा करेगी। दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रनों के ऊपर। इस बार डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट और इसी के साथ चार ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मात्र कापरी सिद्धि पाले 11 टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 31 रन, विकेट गवाए टोटल 3। डीजे का मैच जरूर खेल रही है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव हासिल होगा। मनीष कोलेकर का विकेट जरूर लौटा मैदान से बाहर। या दरम्यान संदीप पाटील यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर, जांभिवली गाव चषक 2021 ही मानांकित स्पर्धा आपण पाहू शकाल आणि संदीप पाटील साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन, त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर येईल नक्कीच, आमच्यापर्यंत आयोजक माहिती पोहोचवतील, पुढचा सामना पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्यापर्यंत येईल, माफ करा दुसरे फेरीतील पहिला सामना नेवाली पाडा आणि चिंचवली संघाचे कर्णधार। टॉस साठी आपण लगेच या, संदीप गौली साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय, आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आणि तमाम मान्यवरांचं। आज बघा मान्यवरांचा स्टेज आपण इथे आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल, खूप मान्यवरांची व्यासपीठावर मांदी आली आपण इथे पाहू शकाल। तो गेंदबाज राउंड विकेट से हाफ रॅकेट बॉल, जिस अंदाज से मोड़ा है उसी अंदाज से दर्शक फील्डर मात्र बने
और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पर, 6 रन। धन्यवाद कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर क्या बैटिंग हो रही है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कहते हैं ना कि सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाता है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। क्या यहाँ पर वो रास्ता खुद तय कर पाएगा? व्हाट अ शॉट, फाइनली सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे। और यस इट डस, इट्स आउट ऑफ द पार्क, बिग 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 इट। थैंक यू डीजे, क्या जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर होती हुई बैट्समैन राकेश भोईर की ओर से। इसीलिए कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है मेरे दोस्त, एक बार लेके तक तुझे जिंदगी भर थकनी नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं मछली सर, रात को चैटिंग मत करो, रात को क्रिकेट की सेटिंग करो। और ये क्रिकेट का फंडा आप देख सकते हैं यहाँ पर, कापरी सिद्धि 11 पाली टीम के बल्लेबाजों की ओर से, क्या जबरदस्त। स्लॉग ओवर में मात्र रोशन भोईर को टारगेट बनाया जा रहा है राकेश भोईर की ओर से, यानी कि जोड़ी का बैटल आप देख सकते हैं राकेश रोशन के बीच में मुकाबला चल रहा है। वो बॉलीवुड में शहनशाह है, ये टेनिस क्रिकेट में शहनशाह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दमदार हिट लगाए, छक्कों की हैट्रिक क्या पूरी कर पाएंगे। स्कोर की बात करेंगे, अब 43-45 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, इन मुश्किल देख मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। इन मुश्किलों के हालात में इस वक्त अपनी टीम को संभालते हुए नामचीन बल्लेबाज राकेश भोईर इस ओवर में क्या छक्कों की हैट्रिक अपनी टीम के लिए पूरी कर पाएंगे। जबरदस्त बैटिंग, मनीष कोलीकर का सीना अब चौड़ा होता हुआ होगा क्योंकि वन डाउन की भूमिका में क्या जबरदस्त बैटिंग, और पांचवें नंबर के बल्लेबाजी पर क्या जबरदस्त बैटिंग होती हुई। छक्कों की हैट्रिक, जी हां, उड़ाया इस बार मिड विकेट को क्लियर करते हुए, अंपायर का इशारा, एक बार जोरदार तालियां, बैट्समैन आप देख सकते हैं राकेश भोईर के लिए 6 रन। अक्सर झूठ बोलते हैं मेरे दोस्त, इंसान की असलियत तो हमेशा वक्त बताता है, और वक्त के मुताबिक इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की और अपनी टीम जो लड़खड़ा रही थी उसी टीम को मात्र यहां पर बनाने की कोशिश करते हुए। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, रोशन को कमबैक करना होगा, अगर इस तरीके की हाफ ट्रैक कर बॉल ओवर पिच गेंद देंगे परेशानी होगी। उठाने की कोशिश है इस बार, हवा में होगी या फील्डर गेंद के नीचे, देखिए भाई यहां भी मौका गवाया, करे भी तो क्या करे गेंदबाज, कैच था आसान सा, जज करने का मौका था, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से कापरी सिद्धि 11 टीम के 50 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 51 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ट्रेमेंडस बैटिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फैबुलस बैटिंग यहां पर होती हुई राकेश भोईर की ओर से। अपने पारी में छक्के दागे टोटल 3 और 22 रनों के ऊपर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी करती हुई। बस फिर से एक बार तैयार, तो गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ। इस बार देखिए टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा था, दबाव वाली घड़ी नजर आ रही है, और यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का वाइट बॉल का करार। कहते हैं ना, मंजिल मिले ना तो मिले ये मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। क्या कोशिश करते हुए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहां पर स्लॉग ओवर में मात्र रोशन को टारगेट बनाया जा रहा है, एक अच्छा ओवर अब तक यहां पर कापरी सिद्धि पाली टीम के लिए। याद डालने की गेंद कोशिश थी जरूर, ये गेंद बढ़िया है, और ये गेंदों की तलाश भी चाहिए। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट, क्योंकि जाना यहां पर स्ट्राइक राकेश को ही देनी है, और यहां पर अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए बैट्समैन ना सागर के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 14। बैक टू द पवेलियन। Oh.
थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आखिरी गेंद बची इस ओवर की, गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। आखिरी गेंद थी, हवा में गेंद है काफी देर तक, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप में, अच्छी फील्डिंग होती हुई और इसी के साथ ओवर नंबर पांचवा हुआ कंप्लीट। और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद भरपूर इंजॉय किया बैट्समैन रोशन राकेश भोईर के साथ, काफी कमाल की बल्लेबाज हुई, लेकिन दर्शित 11 काकड़वाल की टीम के पिछले तीन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 31 रन थे, लेकिन इसी के साथ पांचवे ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 53 रन। जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है 30 गेंदों के ऊपर। ये रन किस तरीके से चेज करेगी, इसका आंखों देखा विवरण मच्छिंद्र पारी सर आपके सामने जरूर पेश करेंगे, लेकिन भूलना नहीं होगा दर्शित 11 टीम काकड़वाल काफी फॉर्म में है, डोंबिवली के मैदान के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उस हिसाब से अगर बल्लेबाजी करेगी तो ये मैच जीत पाएगी, लेकिन हार मंजूर नहीं है कापरी सिद्धि पाली टीम को, लेकिन जीतना जरूरी है यहाँ पर इस मैदान के ऊपर काकड़वाल टीम को। तो किस तरीके से रन चेस होंगे इसका सेकंड इनिंग में फिर से एक बार चर्चा करेंगे मजिंद्र सर के पास, तब तक चलते हैं डीजे मास्टर की सुमधुर संगीत। थैंक यू। पहले अपन नन्हेपैकी करूया, विनंती करें मैं आयोजकाना कि आपके छुपाते से टॉस कीजिए और मुकाबले की तरफ रुख करेंगे, बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। आज के दूसरे दौर का पहला मुकाबला होगा, आयोजककर्ता बताएंगे कि कितने ओवर का मुकाबला होगा। चार ओवर का मुकाबला होगा, नेवाले के हमारे तो हमारे हरिभक्त परानकर सूरज बुआ इनके छुपाते से टॉस करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है, संतों की भूमि है मैं कहूंगा, और उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं के शुभांत से टॉस किया जाएगा और टॉस जीते नेवाल टीम ने। आपका फैसला सुना है, इसके ऊपर अमल भी करना है, तो रुक करने के बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, चलेंगे मैदान के ऊपर, फील करने का फैसला किया नेवाल पर टीम के कप्तान ने, हमें बताया उन्होंने, स्वागत है आपका। हमारे दोनों स्कोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ और विलास हमारे साथ जुड़ चुके, दो जोड़े हमारी वीर और जय के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो उनका भी स्वागत करेंगे हमारे लाइव टेलीकास्ट जेतु, उनकी पूरी टीम उनका भी स्वागत करेंगे और रुक करेंगे मैदान के ऊपर। शाम के ठीक 4:05 हो चुके हैं, यहाँ पर दूसरे दौर में हम इससे बात चलेंगे, लेकिन इससे पहले इस मुकाबले की चर्चा करेंगे। काकड़वाल टीम मुझे पता है कि हमेशा टाइम पर आती है, लेकिन आज जो डोंबिवली के मैदान पर खेल रही थी जिसके तहत तो देरी से ही टीम, कोई बात नहीं यहाँ पर, लेकिन भागदौड़ ज़्यादा हो चुकी है उनकी, थोड़ी सी थकान भी महसूस कर रहे हैं, जो थकान हमने उनके देखी इस मैदान पर, कैचेस भी उनके माध्यम से छूटे यहाँ पर, और जीत के लिए 54 का लक्ष्य बीच मैदान पर होगा। पांच ओवर का मुकाबला, उसके बाद अगले मुकाबले चार ओवर के किए जाएंगे, आयोजककर्ताओं से हमें सूचित किया गया है। पांच ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 54 का लक्ष्य, 10.8 के अवसर से रन बनाने होंगे। मनीष कोलेकर जल्दी बाद होने के बाद राकेश भोईर ने क्या पारी के लिए पांचवें नंबर पर आकर 3 लगातार छक्के लगाए, उन्होंने 23 की शानदार पारी खेली, उन्होंने 23 रन की शानदार पारी खेली, नहीं लग रहा था। और राकेश सागर की भी बात करेंगे, सागर ने भी 16 रनों का योगदान दिया और मनीष कोलेकर जिन्होंने 9 रनों का योगदान दिया, और कुल मिलाकर रन बने यहाँ पर 53 रन। 54 का लक्ष्य काकड़वाल टीम के सामने, जिनके कप्तान है महेश मडवी, जिनको मैंने कहा था कि कुल कप्तान है, क्योंकि काकड़वाल टीम हमेशा अच्छी टीम मानी जाती है, समय पर आने वाली टीम मानी जाती है, लेकिन आज वो डोंबिवली के मैदान पर खेल रही थी इसलिए आज वो टीम थोड़ी सी देरी से आई, कोई बात नहीं, चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में, रुक करेंगे यहाँ पर काकड़वाल टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान पर आगमन करती हुई जोड़ी देख पाएंगे, महेश मडवी और सूरज पावशे यहाँ पर आते हुए कप्तान मैदान पर आते हैं, क्योंकि महेश मडवी एक अच्छे कप्तान है और 54 का लक्ष्य गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाजी में आते हुए, गेंदबाज तेज तरह गेंदबाजी में मिलिन आते हुए यहाँ पर गेंदबाजी में 54 का लक्ष्य मैदान पर चलेंगे। शाम के ठंडे हवा में चलता मुकाबला, सूरज हमसे धीरे धीरे विदाई लेता, परिंदे हवा में आसमान से यहाँ पर छलांग लगाते हुए, दर्शकों की काफी भीड़ है मैदान के ऊपर और इस तजीले और यहाँ पर ताजगी भरे माहौल में हम रुख करेंगे इस मुकाबले की तरफ। अंपायर का आगाज हो चुका है यहाँ पर, अंपायर हमें इशारा करते हुए मिस्टर नौशाद खान और अंपायर हमारे महेश की गार्ड की बैग और किसके पास से तो उनको देना है, खिलाड़ी की वहां पर पैवेलियन वहां पर देना है, महेश की गार्ड और बैट जिसमें है
वो पूरी बैग है उनकी, तो वहां पर वो उनको देना है अंपायर का इशारा पॉइंट का इशारा। रुक करेंगे मैदान की तरफ, बहुत ही सुहानी शाम यहाँ पर, यह रंगीन समा और ये जबरदस्त दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम ईडन गार्डन बोहनोली स्टेडियम अमरनाथ से सीधा प्रसारण किया जा रहा है पर इस प्रतियोगिता का। और जीत के लिए 54 का लक्ष्य मैदान के ऊपर, 5 ओवर का मुकाबला, किस प्रकार बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार गेंदबाजी होगी, किस प्रकार बल्लेबाज को रोक लगाएगी गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर तेज तरह गेंदबाज महेश भट्ट भी यहाँ पर शॉट का चयन करते हुए स्वीप शॉट खेला पर क्लासिकल टाइमिंग दिखाते हुए कप्तानी पारी खेलते हुए सीधा 4 रन। काकड़ वाला टीम को हमने मोटा, ये देखिए कमाल की टाइमिंग, क्या शॉट था पर, अमेजिंग इनक्रेडिबल शॉट, अविश्वसनीय शॉट, वन बॉल सीमा पर 4 रन। यहाँ पर महंगे साबित हो रहे जिस प्रकार से महेश मड़वे कप्तानी बल्लेबाजी करे, क्या कमाल के बल्लेबाजी, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज बीच मैदान पर आपकी बाहर तेज तरार क्विक डिलीवरी बल्लेबाज को चकमा देगा। यहाँ पर देखते रहेंगे मैदान के ऊपर क्या गति थी इस गेंद में यहाँ पर, और अपने अपने परिवर्तन करते हुए सुधार लाते हुए सबक सीखते हुए, पिछले गेंद फुल टॉस थी उससे सबक सिखाया गेंदबाज ने मिलिन ने यहाँ पर, और यहाँ पर वापसी करने की कोशिश करती है शत प्रतिशत मैदान के ऊपर वापसी करने की कोशिश करते हुए टीम का रुका हुआ स्कोर यहाँ पर। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन महेश को आप ज्यादा देर नहीं रुका सकते क्योंकि ये शेर है और शेर की दहाड़ मैदान पर देख रहे हैं, एक और शानदार छक्का। शुक्रिया, 15 टीम का स्कोर यहाँ पर, जबरदस्त बल्लेबाज कर दिए कप्तानी पारी खेलते हुए, 2 चौके 1 छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता 15 पर। आपकी बार यहाँ पर हिट हुई और यहाँ पर देखा कि नटराज की तरफ घूमने का कैप घूम कर खेलने का प्रयास करते, निगाह कई और थी, निशाना कई और था पर खेलना चाहते थे दिल्ली में और गेंद गई गली में, यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। जबरदस्त गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी मैदान के ऊपर, कभी यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से बड़ा जवाब मिल रहा है तो कभी गेंदबाज की वापसी मैदान के ऊपर, इससे कहते हैं कांटे की टक्कर, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट की जिसमें टक्कर ना हो, क्या कांटे भरी टक्कर मैदान के ऊपर दोनों के बीच में। हेलीकॉप्टर शॉट का चयन करते यहाँ पर प्लेसमेंट किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद तेजी आते हुए सागर वापर आते हुए, लेकिन सागर ने थ्रो यहाँ पर बाउंस देना यहाँ पर लाजमी समझा और यहाँ से मिलेगा महज 1 ही रन। ओवर की समाप्ति यहाँ पर खराब ओवर की समाप्ति मैं कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि टीम का स्कोर यहाँ से बनाए महज 16 रन और एक भी सफलता अर्जित नहीं कर पाए। इस ओवर में 2 चौके लगे, 1 छक्का लगा और पूरा का पूरा ओवर खेला पर कप्तान यहाँ पर महेश मड़वी ने खेला और स्ट्राइक को भी अपने खेमे में रखना। ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर बनता बस 16, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 24 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 38 रन की सकता। आस्किंग रेट की बात करेंगे तो प्रति ओवर आपको बनाने होंगे 9.50 के अवसर से रन बनाने होंगे, यानी कि 9.5 के अवसर से यहां पर रन बनाने होंगे। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, बड़ी टीमें मैदान के ऊपर है, काकरवाल टीम अभी भी जूनी डोमेली के मैदान के ऊपर खेल कर आई है जहां पर श्रद्धांजलि ट्रॉफी चल रही है, तुषार पाटिल उनकी पूरी टीम के माध्यम से वहां पर बड़ी प्रतियोगिता चल रही है और इस बड़ी प्रतियोगिता में फिर एक बार वापसी की उन्होंने मैदान के ऊपर। और के समाप्ति 16, टीम का स्कोर बनता है जीत के लिए। अब दिल्ली दूर है मैदान के ऊपर, धीरे धीरे यहाँ पर रास्ता बनाते हुए और क्या ओवर रहा इस मैदान के ऊपर, जबरदस्त बल्लेबाजी। और की शुरुआत गेंदबाजी में आगाज होता हुआ तब्दीली आती गेंदबाजी में, गेंदबाज आते हुए मनीष कोलेकर, मनीष ने यहाँ पर 9 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन मनीष ने यहाँ पर जो पेनल्टी लगी थी काकरवाल टीम को उनको उन्होंने माफ कर दिया, बड़ा दिल है उनका। और यहाँ पर देखना गेंदबाजी, ये देखिए स्लॉग सिप लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद ठीक से बल्ले के पल्ले नहीं, यहाँ पर नतीजा आपके सामने, यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। और पिछले 7 गेंदों में नॉन स्ट्राइक पर तड़प रहे थे मछली के तड़प बल्लेबाज, यहाँ पर आएंगे अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे सूर्या जी पावसे, यहाँ पर 7 गेंदे लगातार वो नॉन स्ट्राइक पर देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि यहाँ पर महेश मड़वी कैसे खेल रहे, अब देखना उन्होंने क्या परीक्षण किया और क्या जवाब देंगे इस मैदान के ऊपर। मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना, दोनों बड़ी टीमें मैदान पर अच्छा खेल कर रही है। ओ ये देखिए फुलर लैंड डिलीवरी, मनीष कोलेकर के पास तजुर्बा काफी लंबा है क्योंकि ये खिलाड़ी घाट घाट का पानी पी चुके हैं। हालांकि हमारे साथ गोवा में थे सांगम प्रीमियर लीग में जागृति 11 से खेले, 60 रन बनाए उस बल्लेबाज ने और क्या पारी खेली थी मैदान के ऊपर, वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए। लेकिन यहाँ पर बड़े शॉट लगाया, गेंद जर्मी रुकी के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पर, शानदार छक्का।
शुक्रिया 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 डीजे काकड़वाल और जे जो बाले के बीच में ये तीसरा मुकाबला हो रहा है इस सीजन का। दो मुकाबले काकड़वाल टीम ने जीते हैं। क्या आज हैट्रिक होगी ये देखे चेंज ऑफ पेस, क्योंकि मनीष को लेकर के पास लंबा तजुर्बा है। और यहाँ पर अंपायर हमारे इशारा वाइड का करते हुए बिंदास काफी भूमिका निभाते हुए कभी कभी यहाँ पर आयोजकर्ताओं की भूमिका में, कभी विकेट यहाँ पर अंपायर की भूमिका अदा करते हुए। पिछले बार उन्होंने यहाँ पर झाड़ू भी लगाई विकेट के ऊपर, उनका मैं कहूंगा शत प्रतिशत अपेड है। जिस तरह से प्रशांत पाटिल बंटी की बात करेंगे, बिंदास पिछवे की बात करेंगे, काफी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता में दिया उन्होंने। ये देखिए चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, ये मनीष की खासियत है। क्या वापसी के छक्का लगाने के बाद पिछले दो गेंदे डॉट पर खेलने पर विवश किया बल्लेबाज को। और काकड़वाल टीम और पाले टीम के बीच में इस सीजन का तीसरा मुकाबला चल रहा है। दो मुकाबले काकड़वाल टीम ने जीते हैं। देखना आज क्या हैट्रिक होगी या फिर बदले की भावना से खेलेगी पाले टीम मैदान के ऊपर। सफल ओवर की समाप्ति, कब ओवर शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। यहाँ पर दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर हमारे दोनों स्कोर में बताते हुए 24 रन टीम का स्कोर जीत के लिए 54 का लक्ष्य। और यहां से आते हुए 24 तो 18 गेंदे जीत के लिए महज अभी भी जरूरत होगी, एक लंबे लक्ष्य की जरूरत होगी क्योंकि जीत के लिए बनाने होंगे 54 रन। अभी भी 30 रन की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में, 18 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। टीम मीटिंग कॉल की यहाँ पर मनीष कोलेकर के माध्यम से। पिछले ओवर में 16 रन बने थे और इस ओवर में मिले 8 रन और कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 24 रन। बढ़िया मंजर यहाँ पर शाम ढलती हुई नजर आ रही है, शाम अंगड़ाई लेती हुई और सूरज हमसे धीरे धीरे विदाई लेता हुआ 4:10 मैदान से। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ईडन गार्डन, ये बहुनिली का शानदार अमरनाथ का ये मैदान हम देख पा रहे। सीधा प्रसारण tenniscricket.in के माध्यम से किया जा रहा है। टीम का स्कोर 24, जीत के लिए 18 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 30 रन की आवश्यकता। यहाँ पर देखना काकड़वाल इस मैदान के ऊपर जो अभी भी जूनी डोमिली के मैदान पर खेल कर आई है, थोड़ी सी थकान महसूस कर रही है क्योंकि दो मुकाबले वहाँ पर खेले, ट्रैवलिंग भी की उन्होंने और उसके बाद यहाँ पर पहुँच चुकी है टीम। देखना क्या इसका फायदा मिलेगा पाले टीम को। सिद्धि कपरे सिद्धि सिंह पाले और दर्शील 11 काकड़वाल के बीच में चलता है मुकाबला। शाम की ठंडी मौसम में चलता है मुकाबला, लेकिन मुकाबला कशमकश होगा इसमें कतई संदेह नहीं है। दोनों टीमों में काफी क्षमता है, यहाँ पर हुनर है दोनों टीमों के खिलाड़ी में और दोनों टीमों में काफी तजुर्बे बात कर रहे हैं। शुरुआत गेंदबाज में तब्दील होती हुई और ये देखिए बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, गेंद जारी फाले के रिजन में, बिल्कुल अंपायर के बिंदास इसवे के बगल से निकलते हुए गेंद, यहाँ पर मिलेगा महज एक ही रन। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ धीरे धीरे 25 पर पहुंचता हुआ। दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर जी जान मेहनत कर रही है इस मुकाबले को जीतने के लिए और दोनों टीम के कप्तान चोरी चुपके नजर से ट्रॉफी को भी देख रहे हैं। चमचमाने वाली ट्रॉफी सभी का ध्यान यहाँ पर बटोर रही है, जिस प्रकार चमचमाने ट्रॉफी उसका जवाब आपको कल मिलेगा प्रतियोगिता में। लेकिन बल्लेबाजी की बात करेंगे, बल्लेबाज स्टार्ट पर आते हुए सूर्याजी पावसे जिन्होंने 4 गेंदों का खेल किया है, एक छक्का लगाया उन्होंने लेकिन 3 गेंदे डॉट भी खेले यहाँ पर। लेकिन बात करेंगे महेश मडवी के, जो कप्तानी पारी खेलते हुए लंबी पारी खेली उन्होंने अपने टीम के लिए, उन्होंने अपने टीम के लिए लंबी पारी खेली है 17 रन की शानदार पारी की है। देखिए जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर ब्यूटीफुल टाइमिंग विद द ट्रिमेंडस पावर मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, दैट्स अ 6। थैंक यू सूर्या जी। यहाँ पर मैदान के ऊपर जब भी बल्ले का फेस खोलते हैं तभी छक्के की मोहर लगती है, एक डबल के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ पर बढ़िया क्रिकेट, इस समय शॉर्ट ऑफ पोल खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन पे आते हुए राकेश वहाँ पर आते हुए, राकेश जब तक गेंद को उठाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास। क्या क्रिकेट खेली मैदान के ऊपर, समझी हुई सूझबूझ क्रिकेट, छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। पर महान खिलाड़ी अक्सर होते वही होते जो बड़ा शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट करते, इसका कारण होता है क्योंकि बड़ा शॉट लगाने के बाद गेंदबाज उतनी ही ताकत से वापसी करने की क्षमता रखते हैं और वही क्या इस मैदान के ऊपर एक रन का इजाफा। दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई, कदम कदम बढ़ाए, खुशी के गीत गाए जाए और जीत का लक्ष्य पार करती हुई बहुत पहले खेला। यहाँ पर महेश मडवी ने इस गेंद का बल्ले का फेस पहले ही खोला, न देखा ना सोचा यहाँ पर, और यहाँ पर हम अंपायर को भी शक की निगाह से देखा था। डॉट गेंद की समाप्ति नजर आ रही है लेकिन यहाँ से मिलेगा लेग बाइस के तौर पर एक रन का इजाफा होता हुआ। रन कैसे भी बने सीमित ओवर में रनों का आना बेहद जरूरी है और रनों के लिए तरस रहे मैदान के ऊपर, लेकिन रन भी आसानी से बन रहे। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ, टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 33 यानी कि 33 के ऊपर पहुंचता हुआ। यह बढ़िया शॉट, ये गेंद घूम होगी मैं कहूंगा, बढ़िया शॉट लंबा हिट लगाती हुई सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई।
जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के ऊपर चमक रही है, मैदान के ऊपर ये बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर कमाल की पारी, एक और बढ़िया शॉट, लेकिन क्या क्रिकेट के लिए, एक रन पूरा के दूसरे की कोशिश की जाएगी, लेकिन उतने खिलाड़ी ताजा जबरदस्त सुस्ती दिखाते हुए शानदार थ्रो यहां पर किया और यहां से मिलेगा एक रन। पारी को स्ट्राइक को अपने खेमे रखना समझदारी समझी बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति हुई और कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर यहां पर बनता है 40, जीत के लिए अब आसान सा समीकरण बनेगा 12 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। काकरवाल टीम की दहशत कितनी यहाँ पर, पालेगांव टीम को इस सीजन में 2 मरतबा हरा चुकी है, क्या तीसरी मरतबा हरा कर हैट्रिक प्राप्त करेगी या फिर पालेगांव टीम इस मैदान के ऊपर इसका विपक्ष में कड़ा से कड़ा जवाब देगी। और टीम का स्कोर 18 गेंदों का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात 40 रन जबरदस्त साझेदारी दोनों के बीच में, देर हैज बीन 14 रन पार्टनरशिप बिटवीन द महेश एंड सूरज। सूरज स्वराजी व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन, एंड ऑफ द थर्ड ओवर 14 विदाउट लॉस एंड नीड ओनली 14 रन्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम द ओनली 12 डिलीवरीज, व्हाट अ फंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द बोथ द टीम। और ये देखिए पानी से अपनी प्यास को बुझाते हुए पानी पीकर खुद ठंडे हो जाएंगे या गेंदबाज को ठंडा करेंगे मैदान के ऊपर, ये भी समय बताएगा आने वाला। 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, खराब गेंदबाजी लगातार, इस ओवर में भी 16 रन मिले, पहले पिछला ओवर मिलिन का रहा था उन्होंने 16 रन दे दिए और सागर का ओवर रहा तीसरा उन्होंने 16 रन दिए, लेकिन मनीष ने दूसरा ओवर किया था पीटू का उन्होंने महज 8 रन दे दिए और कुल मिलाकर टीम का स्कोर बनता हुआ 40, जीत के लिए 14 गेंदे अब 12 की आवश्यकता। अब इस मुकाबले में किसके 12 बजेंगे ये भी सवाल बनेगा बीच मैदान के ऊपर, मजा आएगा मुकाबले में। दोनों टीमें बीच मैदान की ऊपर जीत का सपना लेकर उतरी है, कफन बांधकर उतरी है, लेकिन क्या जीत इतनी आसान होगी, बिल्कुल नहीं होगी मैदान के ऊपर जीत इतनी आसान। गेंदबाजी में फिर एक बार मनीष कोलेकर टीम के कप्तान आते हुए, मनीष ने बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं की मैदान के ऊपर लेकिन गेंदबाजी अच्छी की, 8 रन दिए उन्होंने पिछले मुकाबले में पिछले ओवर में। देखना स्ट्राइक पर बल्लेबाज कौन है बेटर, सूर्या जी, और क्या टाइमिंग था, घुटना टेक और मेरा शॉट टेक, ये बताया यहाँ पर मनीष कोलकर को, क्या जबरदस्त प्रहार किया, सीधा 6 रन। जिस मनीष कोलकर ने पहले पिछले ओवर में 8 रन दिए थे वही बल्लेबाज गेंदबाज के यहाँ पर स्वागत किया, आपका इस जाम्बेली गांव चेषक में स्वागत है, ये बताते हो बल्लेबाज क्या घुटना टेका था बल्लेबाज सूर्या जी ने और क्या शॉट लगाया था, जबरदस्त ड्राइव, क्लासिकल टाइमिंग और गेंद जारी यहाँ पर बिल्कुल गैप शॉट का सिलेक्शन, गेंद सीमा पर सीधा 4 रन, क्रैकिंग शॉट, नो चांस स्टॉपिंग दैट, दैट्स गॉन फॉर, जबरदस्त हिट लगाते हुए एक और शानदार बड़ा हिट, 4 रन मिलते हुए यहाँ से। सूर्या जी 30 रन पर खेल रहे हैं और यहां से देखिए क्या शॉट लगाया, क्या नजाकती, खेल खत्म किया और ये तीसरी हार यहां पर मिली है इस सीजन की इस समय पालेगांव टीम को, और काकड़वाल की क्या दहशत है यहां पर बताएं मैदान के ऊपर। ये मुकाबला खुला किया उन्होंने 7 गेंदों को छोड़कर, यानी कि 30 गेंदों का मुकाबला था और ये मुकाबला खुला किया उन्होंने मैच 23 गेंदों में, जबरदस्त मुकाबला।